हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका स्काईदीप ग्रेवाल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूरोप जाने के लिए एज ए ट्रक ड्राइवर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्या क्या मेन डॉक्यूमेंट्स हैं और कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए। बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा लाइसेंस 6 महीने पुराना है, 1 साल पुराना है, तो इस वीडियो में हम वो भी बात करेंगे आपको कितना पुराना लाइसेंस चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस चैनल पर यूरोप रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं, तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगती होगी। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज के टाइम पे यूरोप में इतनी ज़्यादा वैकेंसीज निकल रही हैं ट्रक ड्राइवर की, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको ट्रक ड्राइवर की। यूरोप में पूरा ऑल ऑफ द यूरोप में बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं, क्योंकि वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह माल जाता है, जैसे इटली से जर्मनी, जर्मनी से लक्समबर्ग, काफ़ी दूर दूर माल जाता है, पूरे यूरोप में ट्रेवल होता है। इंटरनेशनल भी माल जाता है, जैसे यूरोप से यूके जाता है क्योंकि वो पास ही है बाकी, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। कुछ वहाँ पे यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो गया था, इस वजह से भी शॉर्टेज है, काफ़ी टाइम से शॉर्टेज चल रही है। तो उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए यूरोप में यूरोप की कंपनीज इंडिया से रिक्रूटमेंट कर रही है ट्रक ड्राइवर्स की, यहाँ से ट्रक ड्राइवर्स लिए जा रहे हैं। उसमें वो चीज़ें क्या क्या देखते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वो देखते हैं मिनिमम एज आपकी 25 होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास लाइसेंस मिनिमम 2 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए, उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, लाइसेंस भी 2 साल पुराना होना चाहिए, उसके बाद आपको गाड़ी ट्रेलर बैक करना आना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, नेसेसिटी है कि आपको गाड़ी परफेक्ट बैक करनी आनी चाहिए, 90 डिग्री L तो आना ही चाहिए, क्योंकि जब आप इंडिया से यूरोप जाते हो वहाँ जाके कंपनी आपका टेस्ट लेती है, अगर आप टेस्ट में फेल हो जाते हो, आजकल बहुत सख्ताई हो गई है वहाँ पे, टेस्ट में अगर आप फेल हो जाओगे, 1 बार 2 बार 3 बार फेल हो गए, आपको वापस इंडिया भेज दिया जाएगा, आपके जो आपने पैसे लगा के आप आउट ऑफ इंडिया गए यूरोप गए, आपके वो पैसे भी ख़राब हो जाएंगे और आपका दिल भी टूट जाएगा। इसी कारण आप अपनी गाड़ी ट्रेलर बिल्कुल परफेक्ट बैक करना सीखो, जिनको नहीं आता अपना ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लो, गाड़ी बैक करना सीखो, अच्छे से चलाना सीखो, बिल्कुल आगे भी अच्छे से चलानी आनी चाहिए आपको, इसलिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, गाड़ी बैक करनी आनी चाहिए, दूसरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तीसरा मिनिमम 2 साल पुराना आपको लाइसेंस भी चाहिए हैवी ड्राइवर का, तभी आप यूरोप जा सकते हो एज ए हैवी ट्रक ड्राइवर। अब हम बात करते हैं कि और अदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको। PCC चाहिए होगा, जहाँ भी आप जाना चाहते हो, लिथुनिया, लक्समबर्ग, जर्मनी, उसकी आपको PCC चाहिए होगी, और वहाँ के एम्प्लॉयर से आपको वर्क परमिट चाहिए होगा। जब वो एम्प्लॉयर आपको वर्क परमिट दे देगा तो आपका एम्बेसी में जाके आप अपना VFS से अपॉइंटमेंट लेके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराओगे, तो ऐसे आपका वीज़ा लग जाएगा और इसी प्रोसेस से आप यूरोप में जाके ट्रक चला सकते हो। तो बहुत से भाइयों का मेरे पास मैसेज आता है कि हमारा 6 महीने पुराना लाइसेंस है, 1 साल पुराना लाइसेंस है, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि 1 साल पुराना लाइसेंस नहीं चलेगा, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए ही चाहिए और ट्रेलर बैक करना आना बिल्कुल चाहिए। और हम बात कर लेते हैं इस और वीडियो में कि इसमें आपको एक दो और छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं, IDP वगैरह चाहिए होती है, वो आपको आपके RTO से मिल जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट लेटर चाहिए होता है वो भी आपको आपके RTO से मिल जाएगा, इसके लिए मैंने दूसरी वीडियो भी बनाई हुई है, हाउ टू बिकम ए ट्रक ड्राइवर इन यूरोप, वो आप देख लेना, उसमें मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई हैं कि ट्रैको कार्ड कैसे बनेगा, IDP कहाँ से लेना है और RTO से एब्स्ट्रैक्ट लेटर कहाँ से लेना है, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी हैं। तो यही मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल पुराना लाइसेंस मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम जितना मर्जी हो। और कुछ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जिन भाइयों का लाइसेंस 2009 से पुराना है, वो उनकी जो वहाँ पे Code 95 की ट्रेनिंग है वो सिर्फ 1 हफ्ते की होती है, जिनका 2009 के बाद का लाइसेंस है
उनकी ट्रेनिंग काफ़ी लंबी हो जाती है, 1 से 1.5 महीने की हो जाती है। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, जो भाइयों का लाइसेंस पुराना है उनकी ट्रेनिंग काफ़ी शॉर्ट है। तो ये था अपना यूरोप के बारे में कि कैसे आप इंडिया से यूरोप जा सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वो भी हम बनाएंगे यूरोप रिलेटेड। तो तब तक के लिए धन्यवाद।